हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी के नाइस विद अर्जुन सर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सुबह की इस वीडियो में ऐसी खबरें होती हैं जो शिक्षक भर्ती और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़ी होती हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो चलिए आज की सभी लेटेस्ट न्यूज़ों को कवर करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं और विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करें और आल आएगा आल पर क्लिक करें, तभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच पाएंगे। तो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज की सभी लेटेस्ट न्यूज़ों को कवर करेंगे। UPPSC ने किया एक भर्ती विज्ञापन निरस्त, कौन सी वह भर्ती प्रक्रिया, देखते हैं। LTK के रिजल्ट को लेकर लेटेस्ट न्यूज़ है। PCS इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया है, जो PCS 2017 का इंटरव्यू चल रहा है उसमें सवाल पूछा गया है। SSC की सप्ताह भर में तीन बड़ी परीक्षाएं। जी हाँ फ्रेंड्स, इस सप्ताह में SSC की तीन बड़ी परीक्षाएं होंगी। LT ग्रेड अभ्यर्थी आयोग अध्यक्ष से नाराज और UPPSC का ये रिजल्ट हाईकोर्ट में। तो UPPSC का एक रिजल्ट हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सभी न्यूज़ हम कवर करेंगे और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी इस वीडियो में हम देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, UPPSC ने 425 प्रवक्ता पद का विज्ञापन निरस्त किया है। तो यहाँ पर जो आवेदन किए हुए थे उनको बड़ा झटका लगा है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों के लिए निकली 425 प्रवक्ता पदों के विज्ञापन को निरस्त कर दिया। इसके लिए अलग अलग वर्षों में UPPSC ने विज्ञापन जारी किया था, अब उसे निरस्त करने का निर्णय किया गया है। सारे पदों पर नई नियमावली के तहत भर्ती की जाएगी। वहीं UPPSC द्वारा अचानक विज्ञापन निरस्त करने से अभ्यर्थियों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, UPPSC ने विभिन्न विशिष्टताओं में प्रवक्ता के 265, 131 पद व बैकलॉग के 29 पदों के लिए 20 जनवरी 2012, 16 सितंबर 2014 व 24 जनवरी 2018 को विज्ञापन निकाला था। उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा पंचम संशोधन नियमावली 2018 में प्रवक्ता पद समाप्त होने के कारण उक्त विज्ञप्ति को पदों को विज्ञापन निरस्त कर दिया है। UPPSC के उप सचिव विनोद कुमार सिंह ने बताया कि नई नियमावली में वर्णित शैक्षिक अर्हता, आयु व पदनाम के आधार पर संशोधित सहायक आचार्य के 424 पदों का विज्ञापन आयोग द्वारा जारी किया जा चुका है। तो ये भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन निरस्त किया गया है, ठीक है। तो ये UPPSC की प्रवक्ता पदों के लिए विज्ञापन किया गया था और UPPSC अध्यक्ष से नहीं मिल पाए लौटे निराश। ये एल्टी ग्रेड शिक्षक भर्ती रिजल्ट को लेकर लेटेस्ट न्यूज़। कोई परीक्षा की तारीख बढ़वाने आया था, किसी को रिजल्ट जारी न होने की शिकायत थी, कुछ रिजल्ट में धांधली की शिकायत करने उत्तर प्रदेश लोक सेवा कार्यालय पहुंचे थे। इन अभ्यर्थियों को अध्यक्ष से मिलने बिना ही निराश लौटना पड़ा। आयोग के अध्यक्ष बुधवार को PCS अभ्यर्थी के इंटरव्यू में व्यस्त थे। दोपहर 2 बजे शिकायत करने वालों की भीड़ लगने लगी। वे 4 बजे तक अध्यक्ष से मिलने का प्रयास करते रहे लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। UPPSC अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार हर बुधवार को अपने कार्यालय पर अभ्यर्थियों से मिलते रहे हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को ईमेल के जरिए समय लेना पड़ता है। कई अभ्यर्थियों से ईमेल से अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा था, उन्हें समय नहीं दिया गया, फिर भी वे आयोग पहुंच गए। एल्टी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के अभ्यर्थी रिजल्ट की मांग को लेकर अध्यक्ष से मिलना चाहते थे। वहीं जई 2013 के अभ्यर्थी विनोद कुमार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष से मिलना आया था, वही परीक्षा का रिजल्ट न जारी होने की शिकायत करने आए। RO 2017 के अभ्यर्थी सोनम कंप्यूटर दक्षता परीक्षा कराने को लेकर अध्यक्ष से बात करना चाहती थी, बोली अचानक कंप्यूटर पर दक्षता कराने का निर्णय लिया गया है, इसके लिए हमें अभ्यास का ज़्यादा समय चाहिए। अभ्यर्थी चाहते हैं कि दक्षता परीक्षा जनवरी माह के बाद कराई जाए। तो यही UPPSC की एल्टी ग्रेड शिक्षक भर्ती रिजल्ट को लेकर लेटेस्ट न्यूज़ था। और सीधे प्रवेश में करीब 45,000 का दाखिला, DLED 2019 में करीब 45,000 से अधिक अभ्यर्थियों को मनपसंद कॉलेजों में सीधे दाखिला मिला है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव की ओर से दाखिले की तय समय सीमा पूरी हो गई है और जिले से रिपोर्ट मिलने का इंतजार हो रहा है। प्राथमिक स्कूल में शिक्षक बनने के लिए DLED में अभ्यर्थी प्रवेश लेते हैं। इस बार प्रवेश प्रक्रिया का शासन देश ही जून में जारी हो सका। इसके बाद 2 चरणों में काउंसलिंग कराकर अभ्यर्थियों का प्रवेश कराया गया है। तो यह DLED को लेकर लेटेस्ट न्यूज़ था। और PCS इंटरव्यू में अपाचे हेलीकॉप्टर सौदे पर सवाल। जी हाँ फ्रेंड्स, PCS 2017 का इंटरव्यू चल रहा है जिसमें अपाचे हेलीकॉप्टर को लेकर क्वेश्चन पूछा गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से चल रहे PCS इंटरव्यू के तीसरे दिन भी प्रतिभागियों के साथ उनके साथ आए लोगों में गजब का उत्साह दिखाई पड़ा। दोपहर में बारिश के बीच भी इंटरव्यू में शामिल होने आए लोगों के साथ आए सहयोगी पूरे समय आयोग गेट पर जमे रहे। साक्षात्कार देकर बाहर निकले अभ्यर्थियों ने बताया कि अपाचे हेलीकॉप्टर सौदा और देश की 2 सामाजिक समस्याओं के बारे में सवाल पूछे गए। साक्षात्कार बोर्ड ने पूछा कि पुलिस बेल का क्या मतलब होता है। एक अभ्यर्थी से यह क्वेश्चन पूछा गया है कि ठीक है, और नहीं मिले आयोग अध्यक्ष, नाराज हुए प्रतियोगी। ये एल्टी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ है। इंटरव्यू के चलते एल्टी ग्रेड अभ्यर्थी आयोग से नहीं मिल पाए, उसको लेकर ये लेटेस्ट न्यूज़ था।
और सांख्यिकी अधिकारी के परिणाम को चुनौती दी गई हाईकोर्ट में। लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक सांख्यिकी अधिकारी के साथ 7 सितंबर को जारी अंतिम चयन परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले को लेकर दाखिल याचिका में कहा गया है कि 373 पदों के सापेक्ष सिर्फ 116 का चयन किया गया है, जबकि याचिकन सफल अभ्यर्थी है और साक्षात्कार में शामिल हुआ है। नागेश्वर चंद्र और अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा ने आयोग से 1 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। याचिका अधिवक्ता सीमान सिंह का कहना है कि मार्च 2017 में 373 सहायक सांख्यिकी अधिकारियों के चयन हेतु विज्ञापन निकाला गया। 11 नवंबर 2018 को स्क्रीनिंग परीक्षा हुई। इसमें जनरल और ओबीसी के लिए 40, SC/ST के लिए 30% अंक पाना अनिवार्य था। स्क्रीनिंग में 1261 अभ्यर्थी चयनित किए गए, जिनके प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु बुलाया गया। सत्यापन का कार्य 16 मई 2019 से 3 जून 2019 तक कराया गया। दस्तावेज सत्यापन में 803 अभ्यर्थी अन्य दस्तावेज नहीं होने के कारण बाहर कर दिए गए। तो इस परिणाम को लेकर चुनौती दी गई है हाई कोर्ट में। और SSC सप्ताह भर में 3 बड़ी परीक्षाएं कराएगा। JEE, CPO, SI और CHSL में शामिल होंगे 3 लाख से अधिक परीक्षार्थी। तो ये 3 बड़ी परीक्षाएं होंगी सप्ताह भर में। SSC की ओर से कर्मचारी चयन आयोग SSC की 1 सप्ताह के भीतर 3 बड़ी परीक्षाएं आयोजित कराने जा रहा है। JEE 2018 टीयर फर्स्ट, CPO SI 2018 टीयर सेकंड और CHSL 2018 टीयर सेकंड की परीक्षाएं 23 से 29 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। JEE परीक्षा 2 पालियों में सुबह 10 से 12, शाम 3 से 5 के बीच 23 सितंबर से होगी, जबकि CPO SI 2018 टीयर सेकंड 27 सितंबर को शाम 3 बजे से 5 बजे तक के बीच आयोजित होगी। वहीं CHSL 2018 टीयर सेकंड की लिखित परीक्षा 29 सितंबर को सुबह 11 से 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। तीनों परीक्षाओं में 3 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षार्थी प्रवेश पत्र परीक्षा के 4 दिन पूर्व आयोग की वेबसाइट SSCCR.org से डाउनलोड कर सकते हैं। और 23 से 29 सितंबर के बीच होगी परीक्षाएँ। JEE परीक्षा में शामिल होंगे 1.74 लाख परीक्षार्थी। JEE 2018 टीयर फर्स्ट की ऑनलाइन परीक्षा 23 से 27 सितंबर के बीच होगी। आयोग की ओर से परीक्षा सुबह 10 से 12 के बीच, शाम 3 से 5 के बीच 2 पालियों में कराई जाएगी। SSC मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल सच्चान का कहना है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा से जुड़ी जानकारी आयोग की वेबसाइट से देख सकते हैं। परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र परीक्षक से 4 दिन पहले डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षार्थियों को उनके ब्रांच के अनुसार जानकारी वेबसाइट पर दी जाएगी। JEE परीक्षा में उत्तर प्रदेश और बिहार के कुल 1.74 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। और CPO SI 2018 टीयर सेकंड परीक्षा 27 को, SSC की CPO SI 2018 टीयर सेकंड की ऑनलाइन परीक्षा 27 सितंबर को शाम 3 से 5 के बीच होगी। CPO SI दूसरे चरण की परीक्षा के देश भर में कुल 4773 परीक्षार्थी और मध्य क्षेत्र के कुल 638 परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। तो ये न्यूज़ था SSC को लेकर, जिसमें सप्ताह भर में 3 बड़ी परीक्षाएँ होने जा रही हैं। और आज की ये सभी न्यूज़ हमने कवर की है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।